फुरकाबाद ने गहरा सकता है बिजली संकट। लगातार दो दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बिजली विभाग के संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारी अर्चन अभिनेता ने सैलरी मांगने पहुंचे एक संविदा कर्मी को हड़काया। संविदा कर्मी ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगाने का किया प्रयास। संविदा कर्मी के खुद के पेट्रोल डाल के छिड़कने के बचा हड़कंप आनंद फानंद में लोगों ने पकड़ा। संविदा कर्मी ने मानदेय मिलने पर पुनः पेट्रोल डालकर खुद की आत्महत्या करने की कही सही बात। बीते 3 माह से 630 कर्मियों को कार्यदायी संस्था से मानदेय मिलने से परेशान कर्मचारियों ने किया कार का बहिष्कार। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ के बैनर तले हड़ताल पर बैठे कर्मचारी SSO व लाइनमैन समेत सैकड़ों बिजली विभाग के कर्मी भोले प्रखंड कार्यालय पर कर रहे हैं धरना प्रदर्शन। संगठन जिला अध्यक्ष ने मानदेय भुगतान न होने तक धरना जारी रखने व प्रदर्शन जारी रखने की कही है बात। संगठन जिला अध्यक्ष रामकृष्ण ने बिजली विभाग के जिले के उच्च अधिकारियों पर भी सहयोग न करने का लगाया है आरोप। जिले में बिजली संकट उत्पन्न होने पर जिम्मेदार होंगे विभाग के उच्च अधिकारी जिला अध्यक्ष। संगठन महामंत्री ने 100% कार्य बहिष्कार कर पूरी व्यवस्था को ठप करने की कही है बात। ये पूरी घटना फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के भोले प्रखंड कार्यालय की है। बच्चों के लिए क्या मर जाए, क्या करें? अरे बैठ जा, सभी लोग बैठ जाओ। क्या करें बताओ, मेरी आगे चीजें नहीं बोली, हम क्या करें? सभी लोग बैठ जाओ, पहले क्या करें बताओ। मुख्यमंत्री को लाइट चलाओ, खाले 5 लोगों ने पेट्रोल डालने की आत्महत्या के प्रयास किया। अरे बैठ जाओ सब लोग भाई, तमीज किन ले लिया बैठो सब लोग बैठो। नाम क्या, नाम बताओ अपना? विपिन कुमार। कहाँ रहते हो? ग्वाल वैली। कहाँ, कौन से फीडर पे हो? नहीं भोले पर। कब से नहीं सैलरी मिली? 4 महीने हो गए सैलरी नहीं मिली। कितनी सैलरी है? 8,000। आज क्या किया? आज तुझे सैलरी में बैठे थे, फिर उसके बाद हम मांगने हैं सैलरी, तुमने फिर हम कहते तुम जाओ घर जाओ, भेजाओ हटाओ। अच्छा, नहीं फिर डाला क्या? फिर मैं पेट्रोल डाल लिया, फिर जलाने जलाए साथियों ने बचा लिया, मैं इनने बचा लिया, उनने बचा लिया। फिर हम लेकिन अभी एक बार और पेट्रोल डलवाएंगे, जब तक सैलरी नहीं मिलेगी फिर हम पेट्रोल और डालेंगे, दोबारा डालेंगे, एक बार 3 बार पेट्रोल डालेंगे। जब तक नहीं हमें सैलरी नहीं मिलेगी हम ये बैठे रहेंगे। अभी एक बार डाला। कुछ लोग बड़ी संख्या में जो कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं, वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरा दिन है सर, क्या है इनका मामला और क्या समस्या है इनकी? इन लोगों का अगस्त का पेमेंट होना है, कार्यदायी संस्था ने जुलाई का पेमेंट एडवांस कर दिया है, अब विभाग की तरफ से कार्यदायी संस्था को पेमेंट होगी, जो जब जुलाई का पेमेंट हो जाएगा तो अगस्त का वो एडवांस कर देंगे। हालांकि कार्यदायी संस्था ने कहा है कि साहब 1 महीने का हम और एडवांस कर दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है विभाग की तरफ से हमारी आगरा बात हुई थी, तो वहाँ से उन्होंने कहा, सीनियर पर्सनल अफसर से बात हुई तो उन्होंने कहा है कि 1-2 दिन में कार्यदायी संस्था को पेमेंट हो जाएगा। इनका कहना 3 महीने का रुका हुआ है, वो स्टेप बाय स्टेप चलेगा। दूसरा सर, इन्होंने बताया है कि अनिश्चितकालीन तक रहेंगे जब तक पूरा एक साथ नहीं आ जाता, और जो हमारे इन्होंने बताया एक एक कर्मचारी SSO वगैरह केंद्रों पे हैं उनको भी बुला लेंगे अगर इनकी सुनवाई नहीं होती। सर बिजली का संकट, सुनवाई क्या, हम लोग तो ऑलरेडी प्रोसेस तो कर ही रहे हैं, सुनवाई हम लोग भी चिंतित हैं कि जल्दी जल्दी इनका निस्तारण हो जाए। हर आदमी जो है इनकी समस्या, तो हम लोग बिल भी इनको पिछले महीने में भेजे गए हैं, वो और उम्मीद है कि जो आगरा से हमें बताया गया है कि 1-2 दिन में
पेमेंट हो जाएगा। वो इनको पता भी है, कर्मचारियों को भी पता है कि इनका पेमेंट हो जाएगा, लेकिन अब ये कर रहे हैं, थोड़ा सा समझदारी भी इन्हें भी दिखाना चाहिए, जिससे कि पब्लिक को जो है। इससे पूर्व जो इनकी संस्था थी, इनका कहना है कि उसमें से जो लगभग कर्मचारी हैं, 40 से अधिक कर्मचारी इनके हैं, उनको इसमें शामिल ही नहीं किया गया। जो पहले की संस्था थी उसमें 630 थे, इसमें 587 हैं। 587 नहीं है, 620 का अप्रूवल आया, वो सही नहीं है। 620 का अप्रूवल आ गया है, वो भेज भी दिया गया है, संबंधित अधिशासी अभियंता को भेज दिया गया, बता दिया गया है। तो क्या आज इनका खत्म हो सकता है? धन्यवाद सर, क्या लगता है? आज या कल में पेमेंट आगरा से जो मुझे आश्वासन दिया गया है कि पेमेंट कार्यदायी संस्था को किया जाएगा, वो कार्यदायी संस्था कर रही है, तो उम्मीद यही है कि आज इन लोगों को पेमेंट जो है कार्यदायी संस्था कर देगी।